निर्गमन अध्याय 32। निर्गमन अध्याय 32। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा, और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट तोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहके मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर जिससे तूने अपनी ही क्रिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उनके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब मूसा फिरकर साक्षी की दो तकियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। तब तकियों के तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था, और वे तकिया परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई पड़ता है। उसने कहा, वह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तकियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवाया। तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि
उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको तोड़कर उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हुए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमसे बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था।